सबसे पहले हम सब संस्था की तरफ से हम पहलू कान जी के पूरी परिवार को, उनके चचा यहाँ बैठे, उनके बेटे इरशाद, उनकी बीवी जुबेदार को सलाम करते हैं कि उन्होंने इतने हिम्मत और हौसले से ये पूरी समस्या को हाथ में लिया है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ रहे। हम यहाँ पे एक इरादा आपके सामने रखना चाहते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर सामूहिक तौर पर एक कमेटी बना करके सब केसेस, जो ये लिंच मॉब के केसेस है, हम उसको गौ आतंकवाद कहते हैं, उसको करके हम केसेस ये लड़ेंगे। हम प्रोटेस्ट पिटिशन दर्ज करेंगे पहलू खान जी के केस में। प्रोटेस्ट पिटिशन दर्ज करना हक है, अधिकार है नागरिक का, परिवार का, और बाकी केसेस को भी एक एक करके। सरताज जी से हमारी बात रोज़ बात होती है। मोहम्मद अखलाक का पहला केस था, वो भी इसी तरह बर्बाद किया जा रहा है। जुनैद का केस है, बहुत सारे केसेस हैं। ये कोशिश हमारी रहेंगी कि पूरे केसेस में हम कुछ ना कुछ साथ में मिलकर सामूहिक करें। मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, पार्लियामेंट को ये केस को लेकर और बाकी गौ आतंकवाद के केसेस को लेकर धोखा दे रहा है। बयाने गलत दी जा रही है पार्लियामेंट में। ये बात भी मुझे लगता है पत्रकार और पत्रकार को उठानी चाहिए कि किस तरह का इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में दर्ज किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट हमने निकाला है वो अपोजिशन मेंबर्स और रूलिंग पार्टी मेंबर्स तक हम पहुँचाएंगे, ये उम्मीद के साथ कि ये बात भी पार्लियामेंट में रखी जाएगी और राजस्थान असेंबली में भी रखी जाएगी और हरियाणा असेंबली में भी रखी जाएगी। पॉलिटिकल क्लास भी ये मामले से दूर नहीं रह सकता। दिस फैमिली इज नॉट डिमांडिंग कॉम्पेंसेशन। दिस फैमिली डजंट वांट 1 करोड़ ऑफ रुपीज फॉर द लॉस ऑफ अ फैमिली मेंबर। दे वांट जस्टिस। सो दिस फैमिली इज हियर फॉर जस्टिस एंड पीस। वी आर ऑल हियर फॉर जस्टिस एंड पीस एंड a closure in a crime of this magnitude is not justice and peace. I had read many reports about manuals which are produced by the RSS and BHP which guide their staff members how to kill a case, what to do. So you do things like filing a counter complaint, a counter FIR, you create alibis. In this case you will notice that the 6 persons named by Pehlu Khan have never been investigated or arrested. And what was the main reason? The main reason was there was a quote-unquote alibi. Statements from the Goshala, the workers of the Goshala, to saying they were there at the relevant time. Now the report documents that the courts have said that the physical location of a phone doesn't prove the physical location of the accused. And yet, as far as this report is concerned, it accepts that kind of flimsy evidence for closure. The law allows, in a situation of this kind, family members or aggrieved person to refuse to accept the closure report and continue the fight. इन सब संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मिलकर ये तहकीकात करकर ये रिपोर्ट निकाली है। बहुत सारी संस्थाएं हैं इसमें। गुंडों की एक फौज तैयार करी गई है इस देश में गौ रक्षक के नाम से, और ये गुंडे जो हैं ये पूरे सरकारी शह सरकार का पूरा सपोर्ट होता है। जो फैक्ट्स इस केस में आए हैं कि पुलिस ने अपना काम कैसे किया, ये फैक्ट्स करीब करीब सारे इस तरह के गौ रक्षा के नाम पर जो हिंसा हुई है जगह जगह अलग अलग राज्यों में, सब जगह करीब करीब वही पैटर्न दिख रहा है। जिन लोगों ने मारपीट पीट करी उनके खिलाफ केस दर्ज करने से पहले, उनको अरेस्ट करने से पहले, सबसे पहले तो जिनकी जिनको मारा पीटा गया उनके खिलाफ केस दर्ज करती है, उनको अरेस्ट कर लेती है। जिन लोगों का नाम पहलू खान ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में लिया उन लोगों को 5 महीने तक अरेस्ट नहीं किया जाता। 5 महीने तक ये कहा जाता है कि वे लापता हैं, हम उनको ढूंढ नहीं सकते। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पुलिस जो है अपने रिपोर्ट में ये महेश शर्मा के अस्पताल के डॉक्टरों का ऐसा बेहुदा बयान, डॉक्टर मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया सारी रिब्स फ्रैक्चर हो गई, मार पिटाई से उनकी डेथ हुई,
लेकिन उनके महेश शर्मा पता नहीं किस तरह का अस्पताल चलाते हैं कि उनके डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो अच्छे खासे आए थे, उसके बाद इनको दिल का दौरा पड़ गया, अच्छे खासे आए थे अस्पताल में भर्ती होने, उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ गया, उससे उनकी मृत्यु हो गई। मतलब इनके हॉस्पिटल का तो लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाना चाहिए कि किस तरह का बेहुदा अस्पताल चलाते हैं। इट वॉज जस्ट 3 weeks ago in this hall itself that another report was released covering 30 cases of lynching and killings. And if you look at that report, it looks as if Pehlu Khan's case is going to be reproduced in all the 30 cases across the country. In many cases where an FIR is filed, there's a counter FIR by the accused. And the counter FIR is a special design to prevent you from proceeding with your case and to settle. And so you will find in a year's time, if we don't intervene, if all of us don't intervene, you'll find in 1 year's time that many of these 40, 50 cases are withdrawn from the court. We have carefully documented the statements on television made by political personalities, religious personalities, Chief Minister of Haryana, sadhvis, religious leaders, where on national television they openly say that if you eat meat, if you eat beef, you should be killed. Now that is the most dangerous thing. It's not really who pulls the trigger. In Gauri Laksha's case, they ask who pulled the trigger. We are going to find out who pulled the trigger. It's not who pulled the trigger, because who pulled the trigger is always some contract killer. The question, which is the political brain behind these killings? My name is Irshad. I am a Pehlu Khan ka ladka hun, ki jo ki jab wahan ghatna hui thi, jab main uske saath wahin pe tha, usi gaadi mein tha. Jo bhi ab ye yahan pe inne jaanch ki hai, police ne jaanch ki hai, ye jaanch bilkul galat ki hai. कि जबकि ये घटना 6:30 या 7 बजे की थी, वहाँ पे जब घटना हो रही थी, जब वहाँ पुलिस आ गई थी मौके पे, और पुलिस बता रही है अब कि वहाँ पे हमको 3:54 पर सूचना मिली थी और हमको उठाकर हॉस्पिटल में दाखिल पुलिस ने किया। 12 बजे ही बयान लिया था उनने, बयान हमारे भी लिए थे और उनका भी लिया था। फिर कह रहे हैं कि हमको सूचना मिली थी 3:54 पर। सूचना जब 3:54 पर मिली थी तो 12 बजे बयान कैसे ले लिए? हमारा घर वहाँ से करीब 140 या 45 किलोमीटर पड़ता है। हम नूह जिले के हैं, वो अलवर जिले की घटना थी। जब हमने कभी साल में या 2 साल में 6 महीने में हम वहाँ के निकलते हैं, हमें उसका कोई, हमारा पापा को या हमको उनका नाम कोई, हमें कोई, हमारी रिश्तेदारी नहीं थी वहाँ पे जो उनका नाम हमारे पास था। जब वहाँ पर मारपीट हो रही थी तो वहाँ एक दूसरे का नाम आप ही ले रहे थे, बोल रहे थे कि हुकम चंद इसको पकड़ो, इसको यहाँ घसीटो, राहुल ऐसे इसकी गाड़ी तोड़ दो भाई, ऐसे एक दूसरे का वह नाम जोर जोर से ले रहे थे। 5 महीने तक एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई, बजाय अरेस्टिंग होने के 4 लोगों की बेल ले ली। क्यों ले ली बेल? कि ये छुड़ा रहते तक वहाँ कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो छुड़ा रहा था, सिर्फ मारने वाले थे सारे।